हम लोग अब प्रीमियर लीग में आधे सीजन को पार कर चुके हैं और कहीं ना कहीं सारे पोजीशंस के लिए हमको पता चल गया कि हाँ कौन सा टीम किस पोजीशन में फिनिश करेगी। बट यहाँ एक बहुत बड़ा मीन्स सिचुएशन जो क्रिएट हो गया है वो है टॉप फोर का, मीन्स फोर्थ पोजीशन में कौन फिनिश करेगा। ऐसे हमको तो पता है कि हाँ टॉप थ्री में कहीं ना कहीं चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल, ये तीनों टीम टॉप थ्री के लिए परफेक्ट है, मीन्स ये लोग टॉप थ्री फिनिश करेंगे ही। बट द थिंग इज दैट कि टॉप फोर में कौन फिनिश करेगा, मीन्स फोर्थ पोजीशन वो कौन लेकर जाएगा। मीन्स फोर्थ पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि जिस टीम ने ये फोर्थ पोजीशन एक्वायर किया वो चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलेगी नेक्स्ट ईयर। और अभी फर्स्ट से लेके एट्थ में जितने भी सारे टीम्स हैं उनका यही एक टारगेट होता है कि हाँ हम टॉप फोर्थ में फिनिश कर जाएं, हमको चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलने का मौका मिले। इससे क्या होता है कि हाँ कुछ रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है क्लब, प्लस प्लस ये होता है कि आपका जो एक प्लेइंग स्टाइल है स्टैंडर्ड वो बढ़ जाता है। यूरोपियन फुटबॉल खेलने से मीन्स ऐसे चेंजेस आते हैं क्लब में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्लब्स हैं जो पिछले 2-3 सालों में उन्होंने नहीं खेला है चैंपियंस लीग। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉप फोर्थ का जो फोर्थ पोजिशन है। और इस फोर्थ पोजिशन के लिए जो सबसे पहला क्लब है जो कि मीन्स अभी मेरे लिए, मैं जैसा मानता हूँ मेरे लिए टॉप कंटेंडर्स हैं क्योंकि इनका जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा है, अभी रिसेंट परफॉर्मेंस इनका जिस हिसाब से रहा है, भले ये गेम हार रहे हो या जीत रहे हो, इनका परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मीन्स सुधार आया है। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है इन्होंने परफॉर्मेंस में, अपने मीन्स अपनी गलतियों को अच्छे से सुधारा है और ये कहीं ना कहीं इनको हेल्प कर सकता है टॉप फोर फिनिश करने में। सो गाइस हम बात करें आर्सेनल फुटबॉल क्लब के बारे में और वो अभी फोर्थ पोजीशन पे हैं। हाँ उन्होंने एक गेम ज़्यादा खेला है मैनचेस्टर यूनाइटेड से और 2 गेम ज़्यादा खेला उन्होंने स्पर्स से, बट उनका जो करंट फॉर्म है मीन्स उन्होंने 20 मैचेस खेले हैं जिसमें से उन्होंने 11 जीते हैं, 7 इन्होंने ड्रॉ किए हैं और मीन्स 2 ड्रॉ किए हैं और 7 हारे हैं। ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे ही कुछ था, उन्होंने 2 ड्रॉ किए हैं और 7 लॉस किए उन्होंने, 11 विन से उनके, और उनका पॉइंट्स कुछ 35 पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस नहीं है जो टॉप फोर से लेकर टॉप एट वाले टीम हैं जितने भी, इनके जो पॉइंट्स में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट जो अभी करंट फॉर्म है, करंट फॉर्म ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारी टीमों के लिए और आर्सेनल को कहीं ना कहीं एक अपर हैंड दे देता है करंट फॉर्म, क्योंकि जो जिस हिसाब के फॉर्म में वो हैं वो इजीली टॉप फोर्थ में जब मतलब टॉप फोर्थ का जो स्पॉट है फोर्थ स्पॉट वो इजीली ले सकते हैं क्योंकि उनका फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है और इन्होंने बहुत दिनों से नहीं खेला है चैंपियंस लीग, तो इनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है चैंपियंस लीग खेलने का। सो देखते हैं क्या होता है, क्या एंड ऑफ सीजन में ये जाएंगे या नहीं। और हमारा जो सेकंड टीम है अभी वो है वेस्ट हैम यूनाइटेड। सो वेस्ट हैम यूनाइटेड जिनने जब स्टार्ट किया था मीन्स लीग जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो ऐसा लग रहा था कि हाँ टॉप फोर्थ पोजिशन इनका ही है क्योंकि बाकी कोई टीम्स आसपास भी नहीं थी। फर्स्ट के टाइम आर्सेनल का भी बहुत ख़राब परफॉर्मेंस था, स्पर्स का भी बहुत ख़राब परफॉर्मेंस था और हमको पता ही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस टाइप का परफॉर्मेंस कर दे रही थी ओले के अंडर। सो ये कंफर्म लगभग लगभग हो ही गया था कि हाँ फोर्थ पोजीशन पे वेस्ट हैम यूनाइटेड फिनिश कर सकती है इस सीज़न। बट प्रीमियर लीग में आप कुछ मीन्स बोल नहीं सकते हो, कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो उनका फॉर्म में भी डिप आया और उन्होंने बहुत सारे गेम्स लूज़ किए हैं लास्ट में। उन्होंने भी आर्सेनल के उतने ही गेम्स खेले हैं, 20 गेम्स इन्होंने खेले हैं जिसमें इन्होंने 10 विन्स 6 ड्रॉज और 4 लॉसेस या 4 ड्रॉज एंड 6 लॉसेस इन्होंने मैनेज किया अपने 20 गेम्स में। सो इनका पॉइंट अराउंड 34 है और ये आर्सेनल से 1 पॉइंट बिहाइंड है, तो ये मीन्स 19-20 का आंकड़ा हो जाता है। और क्या ये लोग परफॉर्मेंस मीन्स अब टॉप फोर में अपना फिनिश कर पाएंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि
पिछले सीजन हमने देखा था वेस्ट हैम काफ़ी अच्छा परफॉर्म्स कर रही थी, इन सेकेंड हाफ में इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही सुधरा था पिछले सीजन, और ये टॉप फोर पोजीशन में जा सकती थी, बट लास्ट में चेल्सी और लिवरपूल ने बहुत अच्छे गेम्स निकाले अपने और इनको निकाल दिया कहीं ना कहीं उन पोजीशन से। सो ये डेविड मॉयज़ इस सीजन जाना चाहेंगे, और क्यों मीन्स इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो लोग, सो डिज़र्व भी करते हैं कहीं ना कहीं ये लोग डिज़र्व करते हैं एक बार अपना यूरोपियन मीन्स यूरोपियन फुटबॉल खेलना, चैम्पियंस लीग फुटबॉल खेलना ये लोग डिज़र्व करते हैं। सो गाइज अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो क्लब है उन पे, और वो स्पर्स है, एंटोनियो कोंटे का स्पर्स। और आप तो जानते ही हो एंटोनियो कोंटे किस हिसाब का मैनेजर है, मीन्स लीग में वो बहुत ज़्यादा ही फाड़ है, वो काफ़ी तगड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस देते हैं लीग में उनको हराना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है किसी भी मैनेजर के लिए, क्योंकि एंटोनियो कोंटे एक डिफरेंट लेवल का मैनेजर है। इस बंदे ने इंटर मिलान के साथ अभी स्क्वाडिटो जीत के आए हैं, और टॉटनहम हॉटस्पर के पास सबसे बड़ा ये मीन्स एडवांटेज है उनके हाथ में कि उनके पास दो एक्स्ट्रा गेम्स हैं, और अगर वो जीतते हैं ये दोनों गेम्स तो कहीं ना कहीं ये 39 पॉइंट्स पे चले जाएंगे टॉटनहम हॉटस्पर, जो कि मीन्स आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेस्ट हैम यूनाइटेड इनसे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है अभी, ये नहीं कि ये लोग लूज़ कर रहे हैं गेम या फिर मीन्स लक बाई चांस ये लोग जीत रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ये लोग अच्छा खेल के जीत रहे हैं, तो ये लोग कंटेंडर हैं टॉप फोर्थ के। और एंटोनियो कोंटे जब है तो आप कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते इस टीम को। मेरे लिए तो ये मीन्स आर्सेनल ये मेरे लिए फेवरेट्स हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं टॉप फोर के लिए मीन्स 19-20 की लड़ाई होने वाली है इन दोनों टीम्स के लिए, मीन्स इन दोनों टीम्स में 19-20 की लड़ाई होगी टॉप फोर के लिए। अब गाइज हम अपने अगला जो कंटेंडर इस पोजीशन के लिए कंटेंट कर रहा है, इस पोजीशन के लिए कंपीट कर रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो पिछला सीजन था वो ओले कैंडर काफ़ी अच्छा था, उन्होंने सेकंड फिनिश किया था पिछले सीजन, और ऐसा लग नहीं रहा था कि हाँ ये टीम 7th 8th तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ओले कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अच्छी तरह से निकाल रहा था, बट इस सीजन पता नहीं प्लेयर्स को क्या हो गया या मैनेजर का कुछ गलती था, ओले के सैक होने के बाद भी परफॉर्मेंसेस बहुत ख़राब जा रही हैं, मीन्स ऐसा लग नहीं रहा कि ओले सैक हुआ है या फिर कोई मैनेजोरियल चेंज हमको दिखा है, क्योंकि प्लेयर्स वैसा ही गंदा परफॉर्मेंस दे रहे जैसा वो दे रहे थे जब ओले टीम में था। मैं तो मीन्स अभी कुछ नहीं बोलूँगा, अभी मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है भाई, अगर मैं अभी कुछ बोलता हूँ तो शायद अर्ली हो जाएगा ये, और मैनचेस्टर फैन यूनाइटेड के फैंस मुझे गाली भी दे सकते हैं, बट मैं बोलूँगा ही नहीं कुछ, कंट्रोवर्सी मुझे नहीं फैलाना है। देखते हैं कि क्या होता है, बट राफ रानी को कुछ करना पड़ेगा भाई, मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि हाँ उनको कुछ करना पड़ेगा, अगर इस टीम से उनको बेस्ट निकालना है तो अपने फॉर्मेशन को चेंज करना पड़ेगा, तो शायद ऐसा ही कुछ करना पड़े राफ रानी को, और प्लेयर्स को अपना 100% देना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स मुझे नहीं लगता कि वो अपना 100% दे रहे हैं या फिर मैनेजर उनसे उनका जो पोटेंशियल है उतना निकाल पा रहा है एक मैनेजर। ये कहीं ना कहीं मैनेजर को देखना पड़ेगा, और अगर वो टॉप फोर्थ स्पॉट के लिए कंटेंट करना चाहते हैं तो अभी जैसे आर्सेनल, वेस्ट हैम और स्पर्स ये लोग काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, मीन्स ये लोग इस लेवल पे है, इस लेवल पे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत नीचे है, बहुत नीचे लेवल पे है, तो इनको कहीं ना कहीं अपना लेवल को अप करना पड़ेगा ताकि ये फोर्थ पोजिशन के लिए अपना मीन्स फाइट कर सके अच्छे से, और एट द एंड ऑफ द सीजन ये चैंपियंस लीग फुटबॉल खेले, क्योंकि आपके टीम में अभी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, और अगर उनको चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं मिलेगा तो शायद वो लीव कर जाएंगे आपके क्लब को, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है, और आपको साइनिंग्स भी चाहिए होंगे तो चैंपियंस लीग फुटबॉल अच्छे अच्छे साइनिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि हाँ आपका लेगेसी कैसा है, आप कितने अच्छे क्लब रहे हो हिस्ट्री में, ऐसा प्लेयर्स नहीं देखेंगे वो, बस उनको चैंपियंस लीग फुटबॉल, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं उनको चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए होता है और इसके लिए वो क्लब ज्वाइन करते हैं। कहीं ना कहीं राफ रागनिक को ये देखना पड़ेगा।
और गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, और होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।